What is up guys, कैसे हैं सभी लोग? Welcome back to another horror gameplay video. और guys, आज हम लोग खेले जा रहे हैं Granny Chapter 3 एक बार दोबारा से, क्योंकि guys जैसा कि आपको याद होगा हमने इस गेम को एक बार भी हार्ड मोड पे नहीं खेला था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे एक बार हार्ड मोड पे ट्राई किया जाए. तो चलते हैं पिछली बार, क्योंकि हमने जो ट्रेन एस्केप किया था वो भी हमने किया था ईजी या फिर नॉर्मल, मुझे जैसे याद नहीं है बाकी, इसलिए मैंने सोचा इसको एक बार हार्ड पे एस्केप करते हैं, मजा आएगा. एंड तक देखना और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना. यहाँ पर जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो. ओके, तो ये दरवाज़ा लॉक्ड है. यहाँ पर अपनी लॉक पिक हमेशा की तरह इन्होंने गियर रखी है, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी एकदम 1 स्टार वाली है. यहाँ पर ये कुछ नहीं कर सकते. लॉक पिक एकदम सामने गियर रखा है और वो कह रहे कि हम जेल के अंदर कैद है. कैसे? यहाँ पर अपना दूसरा दरवाज़ा इसके अंदर देख लेता हूँ कुछ है कि नहीं. नो, यहाँ पर भी कुछ हो सकता है. नहीं, यहाँ पर कभी कभी वो प्लैंक पड़ा मिलता है, लेकिन आज हमें नहीं मिलेगा, मुझे पता था. और ये हार्ड मोड है यार, ये ले वाच कर. हम जल्दी से यहाँ से पीछे की साइड जाकर देखते हैं हम. ओए अच्छा, ये तो हार्ड मोड है ना. अरे यार, ये क्रोबार से बंद है तो. अरे ओए, बाहर निकलने दे, हट जा. अबे फंसा दिया मेरे को, मैं मर जाऊँगा. इधर छुपना पड़ेगा मेरे को, और कहीं जगह ही नहीं है. अरे यार, उसने फंसा दिया भाई, मैं नहीं तो निकल जाता. अरे यार, मैं तो भूल ही गया था हार्ड मोड के अंदर यहाँ पे ये प्लैंक्स लगे होते हैं. मुझे लगा था वही वाला होगा, अपना सीधा भाग जाऊंगा मैं उधर. अरे नहीं यार, हर बार मेरी प्लानिंग कैसे ख़राब हो जाती है. अरे वो इधर ही है क्या? देखो एक बार ऊपर चढ़ के थोड़ा सा, बस इधर हो ना, उसने मेरे को देख लिया ना. ओ भाई, उधर ही है, उधर ही छुप जाओ, छुप जाओ. भाई नहीं, मैंने देखा नहीं बिल्कुल भी, मैंने कुछ नहीं किया, बस एकदम सेफ है हम. ओके, तो अभी इनके रोबोट से मैंने वो वाज करके इनको नीचे बुला दिया, और मेरे हाथ में अभी फिलहाल फ्यूज़ है जो कि हमारे बिल्कुल भी काम का है ही नहीं. हमें मिला भी क्या वो जो हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैं करने जा रहा हूँ ट्रेन एस्केप, जिसके अंदर हमें चाहिए होती है कुछ 4 चीज़ें. मे बी एक तो वो जो क्लच सा होता है, अरे एक्सेलरेटर, हाँ यही बोलने वाला था मैं. एक्सेलरेटर तो मिल ही गया, और एक वो स्विच होता है ना, और एक अपनी ट्रेन की, और एक हमें चाहिए वो कॉइन, ताकि हम वो रोबोट को टिकट दे और उसका मुंह बंद कर सके. किचन की अच्छे से छान बीन कर दी जाए. इधर क्या है? खोलो खोलो खोलो. कुछ भी नहीं है यार, क्या ही चल रहा है यहाँ पे, सब कुछ खाली पड़ा छोड़ा हुआ. और रुक जा भाई, ओ फायरवुड मिल गया हमें, सही है, अपने क्रो को भगाने के काम आएगी अगर वो दादा की शॉटगन हमें ना मिली. चलो मैं इस साइड चलता हूँ, यहाँ तो शेड है ना, तो शेड की चाहिए. इसके पीछे कभी कभी कुछ होता है, कोई आ तो नहीं आ. ओके, तो एकदम रास्ता क्लियर है. ऑल राइट, यहाँ पर इस पर कुछ नहीं है, तो यहाँ से स्टोन उठा के चलते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आगे जाके हमारे पास स्टोन की कमी हो सकती है. तो इसलिए 3 के 3 अपने पास पूरे रहेंगे, तो सीधा स्लिंगशॉट निकालेंगे और ठोक डालेंगे दोनों को. और यहाँ पर एक और स्टोन है, लेकिन कोई बाहर ना आ जाए. अरे प्लैंक भी मिल गया, बहुत सही. लेकिन अभी, अरे यार मैं फ्यूज़ लेके क्यों घूम रहा हूँ? लेकिन गेरा भी तो वो ये वाज हो जाएगी ना, तो फिर वो पीछे आ जाएंगे. एक बारी कार की डिक्की में देखते हैं कुछ मिल जाए बढ़िया सा. क्या है इसमें? और अरे यार हट ना, वेपन की. और भाई बहुत ही बढ़िया, लेकिन इसको अभी उठाया तो वो बाहर. ओ दाता, नहीं 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 नीचे चुक, वो बच गया बच गया बच. अरे इधर से आ रहा भाई, गोली ना चला दियो बस, मैं मर जाऊंगा. रुको, अरे यार भाग 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 प्लीज, नहीं गोली नहीं गोली नहीं. ई लगी गई, मुझे लग ही रहा था भाई मार देगा वो. इतने खुले एरिया के अंदर यार दादा की शॉटगन से बचना मुश्किल है. ग्रैंडपा का कमरा मैंने चेक नहीं किया था, तो एक बार इसके अंदर घुस जाते, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉर्स होते हैं, इनमें देखता हूँ मैचेस. ओके लेट्स गो, तो हमारे पास अब फायरवुड भी और मैचेस भी है, तो इससे हम अब वो जो क्रो है उसको भगा पाएंगे. लेकिन ऊपर से कोई आ ना रहा हो. इधर भी मैं देख लेता हूँ ड्रॉर्स के अंदर क्या है. खाली खाली, लेट्स गो. एक बारी दोबारा से नाकामी हासिल होते हुए यहाँ पे मैं ऊपर, अरे यार फंस जाता है, ये सीढ़ियाँ कैसे बना रखी हैं. और इस क्रो के पास एक बारी चेक करते हैं, शेड की, शेड की है ना, हाँ वही है. पैडलॉक तो शायद से ब्राउन सी कलर की होती है. इधर से चलते हैं नीचे, और अपना जो फायरवुड वाला है वो तो नीचे पड़ा है, तो हमें ऊपर लाना पड़ेगा. और यहाँ के लिए हमें वो टेडी चाहिए, और इधर इसको गिराएंगे. लेकिन इसको गिरा के मैंने कर भी क्या लिया, मतलब क्या ही कर लिया भाई. यहाँ पर हमें वो चाहिए ना टेडी, अब टेडी भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है अपनी मेन चीज़ ट्रेन की, क्या पता है ये सिलेंडरी ना ही लेके बैठी हो. इधर से जाऊँगा तो गिरूँगा, मर जाऊँगा. नीचे मेरे को उतर के जाना पड़ेगा, बस नीचे कोई आसपास घूम ना रहो. ओके यहाँ पर कोई भी नहीं है, नीचे चलते हैं इस साइड से. ओके फायरवुड मैं यहाँ से लेकर आ गया, जल्दी से इसको लगाते हो और उधर से फायर जला देते हैं माचिस से. और ये ले, लेट्स गो. अरे खोली भी नहीं, डिब्बी से जला दिया, पैसे कैसे. हेड की आने वाली है फाइनली हमारे हाथों में, गिव मी दैट, दे दे भाई उठा लेना.
यहाँ पर माचिस भी उधर ही छोड़ो। आई थिंक ये माचिस अब तो हमारे पास कोई काम ही नहीं है ना, तो चलो अब इसको शेडगी को लेके जाते हैं। और शेड के पास जल्दी से मैं इधर से जाऊँगा, नहीं इधर से चलते हैं, उधर से गिरने के चांसेस है। एक वाला लॉक और इसके तक क्या है जल्दी से। अरे टेडी मिल गया, बहुत ही बढ़िया, टेडी तो चाहिए था मुझे। नाइस, वेरी नाइस। एक बारी मैं ये प्लैंक उठा के लेके चलता हूँ यहाँ से। अरे ग्रैनी आ रही है उधर से, भाई पीछे हो जाओ भाई, मैंने कोई भी चांस नहीं लेना ग्रैनी के डंडे से, बहुत डर लगता है। ओके अरे खोल ही दो इसको, क्या ही फर्क पड़ रहा है। अपने पास 3 स्टोन एकदम फुल है, बस एक बार स्लिंग शॉट आज में आ जाए। चलो भाई जल्दी से प्लैंक लेकर मैं ऊपर चलता हूँ। और वे ओए ये कहाँ से आ रहा था भाई, भाई कुछ भी हो रहा है भाई गेम में यार, मैंने देखा भी नहीं उसको, एकदम से आ गया क्या वो ऊपर। प्लैंक इधर से लगा देते हैं और अब चलते हैं इधर से घूमते हुए उधर चलना। ओके तो यहाँ पर क्या मिला, ब्रिज क्रैंक करे यार, ट्रेन एस्केप कर रहा हूँ मैं, इनको पता कुछ है नहीं। वेपन की अपने हाथ में है, जल्दी से चलते हैं ग्रैनी की भाई ये क्या था भाई ये मैं मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। मेरे पास एक आइडिया, जल्दी से यहाँ से हम इसका टेडी उठाते हैं ग्रैनी का और भागना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो पीछे ही आ रहे होंगे और इनको हमारी लोकेशन यहाँ पे पता चल जाती है। जल्दी से मैं यहाँ से भाग लेता हूँ, लेट्स गो। अब बिल्कुल भी रुकने का टाइम नहीं अपने पास वो। अरे यार इधर से ही आ गए, नहीं लेकिन अच्छी बात है मैं उधर से घूम के जा सकता हूँ। और एक बार मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ, इसको पैक दो के इनको जाने की वेट करूंगा, उसके बाद जाऊंगा। रन मोड एकदम से एक्टिवेटेड है, जल्दी से भागते हुए मैं चलता हूँ यहाँ से। अरे यार ये इधर से कहाँ से आ गए, मैंने देखा था भैया उधर गए थे। चीटिंग करते हैं भैया बंदे, फिर कहते हैं कि हमने एकदम फेयर गेम खेली है। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए जल्दी से यहाँ से भागते हैं ऊपर की साइड। अरे आ जाना ग्रैंडपा, अब क्या हो गया। हाँ भाई वो देख अभी आके दिखाना भाई, अब तो आ नहीं सकता ना इधर, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएगा। ओ भाई गन मार रहा है, रहने दो भाई रहने दो रहने दो भाई, इससे पंगा नहीं लेना, कहीं पड़गी ना इसकी आर पर होगी गोलियाँ, क्योंकि ये ग्रैनी गेम के ग्लिच का कुछ पक्का नहीं पता भाई, कुछ भी हो सकता है। लेट्स गो यहाँ पे फेंकते हैं इसको। और स्लेंडरीना में देखिए एक टॉय कह रहा हूँ, मतलब कि एक आइटम कोई भी। पैडलॉक की, नॉट बैड, हो सकता है पैडलॉक की के अंदर ही हमारा कोई मेन सामान मिल जाए, जैसे कि वो स्विच या फिर और कुछ। जल्दी से भागते हुए चलते हैं अपने पैडलॉक के पास और उसको खोल के देखते हैं कुछ इसमें मिलता है, नहीं तो हमें फिर वो वास लगा के देखने पड़ेंगे। इसको फिर वो रोटेट करना पड़ता है ना कि इधर आ रहा है या फिर और कुछ उधर आ रहा है, तो वो चीज़ें हमने देखनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं चलता हूँ, इधर कोई हो ना, बस इसको यहाँ फेंकते हैं। अब वो दोनों इधर भागेंगे और मैं निकल लूँगा। तो अपना एक्सेलरेटर तो यहाँ पे शायद से मैं जब मरा था इधर गिर गया था, तो इसको एक्सेलरेटर को नीचे लेके जाना जैसे तैसे। अब पता नहीं उस रास्ते के अंदर कोई हमें मार वुर ना दे, तो उससे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। ये तो खाली था ना, हाँ ओके। तो यहाँ से एकदम रास्ता मुझे क्लियर लग रहा है, नीचे से कोई भी नहीं आ रहा, मैं चलता। ओ भाई अरे भाई साहब क्या यार इस बंदे को, भाई हमेशा ऊपर से कहाँ से आ रहा होता तू यार, क्या है नीचे घूम ले, इतना बड़ा घर है, एक ऊपर से भाई ऐड और दिखा लो भाई। ओके गाइस आई थिंक एक बारी दोबारा से ट्राई करते हैं और इस बारी नॉर्मल मोड पे, क्योंकि मैंने पिछली बार इजी पे किया था तो मेरे लिए तो एक स्टेप अप ही होगा, लेकिन उसके बाद हम हार्ड पे भी ज़रूर करेंगे। ये सबसे बोरिंग काम एकदम से होते हुए और अब मैं चलता हूँ, यहाँ पर कुछ है खाली हमेशा की तरह, इधर कुछ देख लेते हैं अंदर कुछ हो सकता है, नोप। तो अब चलते हैं सीधा डायरेक्ट नीचे। अरे भाई यहाँ से मुझे वेपन की मिल गई, शुरू में ही मज़ा ही आ गया यार, ये तो सही है, सीधा जाके गुदी छिटका देंगे भाई, हमें वेपन की मिल गई है। हो फाइनली, अरे यार दोबारा आ गया, मुझे लगा था ग्रैनी चली गई यार इतनी देर से, भाई मैं भाई जा ही नहीं पा रहा, कम से कम पता नहीं कितनी देर हो गई होगी यहीं बैठे बैठे। चलो भाई जैसे मैं तैसे ऊपर आ ही गया हूँ और यहाँ पर देख लेते हैं ड्रॉर्स के अंदर कुछ मिल जाए तो, ये वाला भी देखते हैं क्या है इसमें। खाली यार हमेशा की तरह, यहाँ पे तो भाई बहुत ही कम सामान मिलता है। और इस दादे के रूम के अंदर क्या है, यहाँ से जल्दी से मैं पहले वेपन की से ये ले लेता हूँ स्लिंग शॉट और अपना ये ड्रॉर्स खोल के देख लेते हैं इनमें कुछ मिल जाए तो, नोप। और इस वाले में कुछ ना कुछ होगा शायद, या इलेक्ट्रिक स्विच, अरे ये तो हमें चाहिए भी है। अरे वो पियानो से वाज हो गई भाई दुनिया भर की। ओके तो ये खोल, अरे यार ये से खोलने पड़ेंगे। 5 minutes later. एक ड्रॉअर मिस हो गया था अपना, इसमें क्या चीज है, सेफ की। अरे नाइस, उधर पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है, आई थिंक सेफ की लेके चलते हैं। उधर वाज हुई है ना तो ग्रैनी भगी भगी उधर जाएगी और हम मेन डोर से अंदर जाके वो सेफ खोल के देखते हैं, हो सकता है उसके अंदर ट्रेन की या फिर ऐसा कुछ मिल जाए, ट्रेन से रिलेटेड मिले बस, आई होप। अगर नहीं मिला तो भाई साहब फिर से वो बाकी काम करने पड़ेंगे, वास वूस वाले मुझे नहीं लगता मैं वो करना चाहता हूँ। अरे स्टोन है उधर अंदर पड़ा हुआ, ले ले। अरे निकल जा, नहीं निकल रहा, छोड़ो हम अपना चलते हैं भाई डायरेक्ट, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने को नहीं है। इसमें क्या है, खाली
ओके अंदर चलते हैं एक बार, यहाँ पे जाकर देख लेता हूँ मैं। अच्छा ओ भाई भाई सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तेरे को देखा भी नहीं भाई, मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से, मैं निकल लिया भाई। ये रहा अपना सेव, प्लीज को ट्रेन से रिलेटेड प्लीज। अरे यार ब्रिज क्रैंक दे दो तुम, बेकार सा भाई ब्रिज पकड़ाते रहते हैं, पिछली बार भी ब्रिज क्रैंक मिला था। ओ नहीं इधर नहीं जाना। अरे आज ये दादा बड़ा घूम रहा है भाई घरों में, पता नहीं भाई साहब आज जितनी भी गेम हुई है ना ज़्यादातर मुझे इसने ही मारा है। ग्रैनी तो आजकल फिर भी थोड़ी ठीक हो गई है, लेकिन ये दादा नहीं सुधरेगा। ओके अपने पास यहाँ पे प्लैंक आ गया, जल्दी से इसको उठाते हैं, यहाँ पे लगाएंगे। और अब चलता हूँ मैं इस साइड पे, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, एक्सेलरेटर फाइनली भाई कुछ तो मिला भाई, ट्रेन से रिलेटेड वाला सामान। एक काम करते हैं इसको ना मैं नीचे एक बार फेंकाता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पास बहुत काम का मतलब टाइम बचेगा एक तरह से। ओके ओ भाई नहीं 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 इधर चुको इधर भाई, उसकी बहुत ही बढ़िया भाई, उसकी मैंने शॉटगन की गोली जस्ट डॉच की है। वो भाई अगर कमरे में मैं ना घुसता ना, और नहीं ग्रैनी भी आ गई ऊपर से। अरे यार मैं नीचे से इतना बड़ा डॉच करके आया हूँ भाई, ऊपर से ग्रैनी ने डंडे से मार दिया भाई। ये क्या चल रहा है भाई, मुझे नहीं पता आज कैसी जगह ग्रैनी चल रही है भाई, आज ग्रैनी का दिन ही बहुत बेकार है। चलो भाई फाइनली कोकोनट तो मिला, इसके अंदर आई एम श्योर कि कॉइन तो निकलेगा। या मुझे पता ही था कॉइन इसमें ज़्यादातर मिलता है, तो अब जल्दी से हम कॉइन लेकर चलते हैं वो नीचे की साइड पे। और उधर से मुझे कुछ दिख रहा है, और भाई ग्रैंडपा उधर घूम रहा है, तो हमें उससे थोड़ा सा बच के जाना पड़ेगा, उसको निकलने दो, नहीं तो उसकी शॉटगन की रेंज नॉर्मल शॉटगन से 10 गुना ज़्यादा है, बहुत तेज़ है वो गन। ग्रैनी की ट्रेन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। ये ले भाई कॉइन ले जल्दी से, कैसे दो भाई कॉइन तेरे को, ये ले पैक दिया मैंने, कैसे देना है इसको, ले ही नहीं रहा भाई। अरे मेरा कॉइन ले गया और मेरे को वो टिकट भी नहीं दी। ये रहा भाई मेरा कॉइन तो बच गया, लेकिन दो कैसे। अच्छा टिकट लेनी थी, मैं ऊपर से भूल गया, लेकिन छुप जाते पहले, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने इतनी वाजे कर दिया ना, ग्रैनी ग्रैंड पर कोई ना कोई आ ही रहा होगा आई एम श्योर। वो उनका डंडा पड़ गया ना सर पे, अब भी सारा कुछ खत्म हो जाना है। वो देखो मुझे लग ही रहा था ग्रैनी आएगी। ओके तो वो चली गई है, यहाँ पे कॉइन डालेंगे, यहाँ से ये दबाएंगे और टिकट अपनी एकदम से बाहर आ गई है, इतनी जंग लगी हुई मशीन में से भी टिकट आ रही है। हाँ भैया अब ले ले टिकट, ये ले। ओके उसने टिकट रीड कर लिया और अब हमारे लिए वो शायद से ट्रेन खोल देगा। थैंक यू भाई। और मैं जाके छुप जाता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है वो आ रहे होंगे। मैं एक्सेलरेटर भी लेके आ गया जल्दी से, मैंने सोचा कि उन्हें इसको भी लगा दे ताकि हमारे पास एकदम टाइम फुल रहे। एक्सेलरेटर लगाते हैं। ओके तो हमें चाहिए एक ट्रेन की, और हमें चाहिए क्या चाहिए, पहले डोर बंद करते हैं ना, क्योंकि बार बार दो क्यों बंद करें, एक खोल के रखते हैं, सीधा आएंगे बंद करेंगे भाग जाएंगे। अब हमें चाहिए सर्वर सर्वर ट्रेन की, और क्या चाहिए था, हाँ वो स्विच, जिससे कि अपनी मेन चाहिए इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आएगी। ऑल राइट तो यहाँ पर अपना 50% काम ऑलरेडी हो चुका है, बस रास्ते में ग्रैनी ग्रैंड पर ना। ओके भाई मैं भी बोल ही रहा था वो आ गए, क्या ही कर सकते हैं भाई इन लोगों का, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते भाई तुम, ये आएंगे ही आएंगे, तुम्हें बस अपने ऑब्स्टेकल्स को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, चाहे वो स्लिंग शॉट से हटाओ या फिर शॉटगन से या फिर गेम ही क्विट करके चले जाओ, बहुत ही बढ़िया रहेगा एकदम स्नीक पीड मोड में। यस आई एम कमिंग, ये ले आया मज़ा, शॉटगन ले लेते हैं इससे, गिव मी दैट शॉटगन। अरे भाई सब एकदम फुल, दो की दो शॉटगन है इसमें। और अब ग्रैनी भी इधर भागती भागती आ रही होगी, मार देंगे उसको भी, बूम लेट्स गो। ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों का काम एकदम से खत्म हो गया, और मैं जल्दी से चलता हूँ, ये शॉटगन हमें काम आएगी उधर वो शीशा तोड़ने में नीचे। तो शॉटगन से मैं वो क्रो को मार के जल्दी से यहाँ से ट्रेन की मेरे को वहाँ से मिल गई है, और अब मैं जल्दी इसको लगाता हूँ यहाँ पर, लेट्स गो। तो अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वो स्विच, वो उसको भी लेकर आते हैं, पता नहीं कहाँ पे था, मैंने देखा था शायद से किसी वो ड्रॉअर में पड़ा था मे बी, और जाकर देखना पड़ेगा, नहीं तो स्विच के लिए पंखा हो जाएगा भाई बहुत बड़ा। अरे हाँ अपने हमने वहाँ पे फेंका था ना वो कोकोनट उठाते हुए, यहाँ पे फेंका था मैंने इलेक्ट्रिक स्विच, और जल्दी से अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ हमारे हाथों में है। और इलेक्ट्रिक स्विच में जल्दी से जाता हूँ, इधर से जाएंगे क्योंकि नीचे से जाने में बहुत ही ज़्यादा खतरा है। यहाँ पर मैं जाऊँगा और इसको यहाँ पे फेंकते हैं, ये शॉटगन लेके चले गया, मैं सोच रहा हूँ एक बार यू ना उसको मार देते हैं। अरे एमो ही नहीं है, क्या ही करेंगे, फालतू गन दे रहे हैं, ले ले भाई तू ही ले ले भाई, लेकिन वो तो ग्रैंडपा के हाथों में जाएगी तो उसके पास अनलिमिटेड एमोज होती है। तो मैं जल्दी से यहाँ से कूदता हूँ और लेट्स गो, इधर से जाएंगे डिलीवरी वाली वो जो लिफ्ट लगी हुई है, यहाँ से जंप मारते हुए। अब बस हमारे रास्ते के अंदर कोई ना आए तो हमारी जर्नी एकदम सेफ रहेगी। ओके तो भाई सब ये मैं जल्दी से आ गया हूँ इधर ट्रेन वाली जगह पे, और मैं इधर खोलता हूँ ये बॉक्स, खुल जा भाई, ये ऑन किया, ये लगा देते हैं इसको, इसको भी ऑन किया, इसको भी ऑन किया, सारी की सारी स्विचेस एकदम से ऑन है, और अब हमें ये बंद करना पड़ेगा। ओके तो इसको गेट को भी बंद कर देते हैं, कोई अंदर आएगी नहीं,
यहाँ पर मैं जल्दी से को दबाता हूँ और लेट्स गो। फाइनली हमने एस्केप कर दिया ग्रानी चैप्टर 3, वो भी ट्रेन के साथ, और वो भी नॉर्मल मोड में। और इसके बाद हार्ड मोड भी आने वाला है, उसकी चिंता मत करना। बाकी आप सब्सक्राइब कर देना ताकि जैसे ही मैं ऐसे लेटेस्ट वीडियोस डालूं आपके फ़ोन में या फिर जहाँ मर्जी देख रहे हो नोटिफिकेशन आ जाए, मज़ा आ जाएगा मस्त। इसलिए सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल वे करना मत भूलना। मैं जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना कैसी लगी है वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।